हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हैमस्टर कॉम्बैट की जो लोग माइनिंग कर रहे थे उनके लिए फाइनली बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज जो है वो निकलकर सामने आ रही है। काफी टाइम बाद, मतलब जब हम इससे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गए, तो उन्होंने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर दी और वही ये कि यहाँ पर ये लोग बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर लिस्ट होने जा रहे हैं और उसके बाद ये लोग बाइनेंस के ऊपर जो इसकी ट्रेडिंग जो है वो लाइव हो जाएगी। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज जो है वो निकलकर हमारे पास जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि इस एयर ड्रॉप ने लोगों को बहुत ज्यादा रुलाया। पहले ये लोग अपने टैप टू अर्न वाला जो एल्गोरिथम है वो लेकर आए, फिर इन्होंने इसके ऊपर अपग्रेड कर लिया कि अब आपको कॉइंस से माइनिंग कार्ड बाय करके अपना प्रॉफिट पर आर इंक्रीज करना है। फिर इसके बाद इन्होंने गेम पैड वाला जो है वो नया सिलसिला निकालो, मजीद गेम पैड जो वो लेकर आते रहे, जिसकी वजह से इनकी बहुत ही बड़ी कम्युनिटी ने जो है इसको फार्म करना जो था वो छोड़ दिया था। और जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो अनाउंसमेंट कर दी। अब यहाँ पर आपकी क्या प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो इसकी रहने वाली, क्या प्राइस इसकी हो सकती है और आपको एयरड्रॉप किस बेसिस के ऊपर मिलने वाला है और आपको कैसे अनलॉक करना है और बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर लिस्ट हो रहा है, तो इसलिए मेरी वीडियो बनाना इसके ऊपर जो था वो जरूरी था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि एयरड्रॉप से लेकर सिग्नल से लेकर जो भी अपडेट आती है वो सारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो जल्दी से सारे के सारे जो सब्सक्राइब करो, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 1, 2, 3 एंड आई होप आप सबने जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की जो मार्केट कैप से है ना, उसकी हमें सप्लाई को देखना पड़ता है कि उसकी सप्लाई कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सप्लाई की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, 100 बिलियन की इसकी जो है वो सप्लाई यहाँ पर बन जाती है, जिसमें से 3% जो है वो लॉन्च पूल में आप लोगों को मिल सकता है। अब अगर सपोज करें ये लोग अपनी 90% या 100% सप्लाई अनलॉक कर देते हैं और इसका मार्केट कैप जिस तरीके की इसकी रीच है, जिस तरीके की इसकी हाइप है, क्योंकि आप इसके ऊपर जो भी वीडियो बना रहे थे वो वायरल जा रही थी, मैं भी बना सकता था लेकिन मैंने डेली इसके ऊपर वीडियोज़ बनाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो क्रिप्टो का है और आज भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है और भी ऑफिशियली एक एक्सचेंज के ऊपर जो लिस्ट होने जा रहा है, तो हम इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जिस तरीके से इसके कंटेंट बनाने के ऊपर व्यूज आते थे, अगर आप देखोगे तो कितने इंस्टाग्राम चैनल बन गए, कितने यूट्यूब चैनल बन गए, सिर्फ इसके ऊपर डेली वीडियोज बनाकर। ठीक है, तो यहां पर इसकी हाइप, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि बहुत ज्यादा इसकी हाइप है। तो अगर इसका मार्केट कैप कम से कम भी डॉग्स की इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी हैमस्टर की है, अगर डॉग्स का मार्केट कैप $1 बिलियन तक जा सकता है, तो इसका एक्सपेक्टेड आप ये रखो कि ये $2 बिलियन तक भी जा सकता है। और अगर इसका मार्केट कैप $2 बिलियन की और इसकी पूरी सप्लाई अनलॉक हुई, तो इसकी जो प्राइस बन सकती है वो यहाँ पर बन सकती है $0.02। और अब यहाँ पर काफी ज्यादा लोग पूछेंगे कि हमें इसका एयरड्रॉप कैसे मिलेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये बाइनेंस के ऊपर आपके पास जो है 19 तारीख को आप अपना BNB जो है FDUSD आप लॉक करके इसका एयरड्रॉप जो है वो ले सकते हैं। लॉन्च पूल वाले सेक्शन में आपने सिंपली जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसके अंदर इन्होंने तकरीबन 3% लाइक 3 बिलियन जो है वो यहाँ पर कुछ इन्होंने सप्लाई जो है वो लॉन्च पूल वालों के लिए रखी हुई, और इसके अलावा आप अपने हैमस्टर कॉम्बैट को जो आपको एयरड्रॉप में मिलेगा, ठीक है, उसको आप सुपर अर्न में अपने हैमस्टर कॉम्बैट को लॉक करके उसके ऊपर मजीद APR जो है वो भी अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर बाइनेंस ने खुद भी मेंशन किया है कि यहाँ पर बाइनेंस जो है वो विल सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैमस्टर एयरड्रॉप क्लेम। तो जो आपका एयरड्रॉप होगा उसको आप लिस्ट होने से पहले सुपर अर्न वाले फंक्शन में लॉक करके भी अगर आप देखोगे तो क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 7 दिन के लिए, इसके बाद होगा 365 दिन के लिए आपको इसको लॉक करना पड़ेगा, 30,000 हैमस्टर मैक्सिमम एलिजिबल यूजर्स होंगे और इतना आप रिवॉर्ड जो है वो क्लेम कर सकते हो। लाइक यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है 1 बिलियन कॉइन्स का जो है यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ हैमस्टर फार्मिंग एक्यूमुलेशन वो यही है कि आपको यहाँ पर अपने BNB को जो है वो लॉक करना पड़ेगा, तो आपको 85% सप्लाई इसकी जो है वो यहाँ पर मिलेगी, और अगर आप FDUSD को लॉक करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25% मतलब 15% इसकी जो है वो सप्लाई आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफर की जाएगी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमें इसका एयरड्रॉप किस बेसिस पे मिलेगा। देखो, अगर आपने हैमस्टर को मिस किया ना, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 3 प्रोजेक्ट और हैं जिसमें से एक कंफर्म बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा, क्योंकि टॉन की ब्लॉकचेन यहां पे डोमिनेट कर रही है। पहले नोड को लिस्ट किया बाइनेंस ने खुद, अब टॉन को लिस्ट किया, इसके बाद डॉग्स को लिस्ट किया और सारे धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स यहां पे लिस्ट हो रहे हैं। टॉन अपने मीम कॉइन्स भी लेकर आ रहे हो, टॉन की ब्लॉकचेन यहां पर बहुत ज्यादा खुद को कंपीट करना चाहती है, इसलिए वो मजीद कॉइन्स और भी लिस्ट करेगी, ये लिख के ले लो आप बात। और इनमें से एक कॉइन जिसकी कंफर्म श्योरिटी है वो 90% चांसेस के साथ जो है वो लिस्ट हो सकता है, वो कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहां पर हमारे पास जो इन्होंने टीम ने अनाउंस किया था वो ये कहा था कि आपको जो है ना अपना कॉइन बैलेंस नहीं, आपको अपना प्रॉफिट पर आर इंक्रीज करना है, क्योंकि कॉइन बैलेंस से आप इनके कार्ड्स खरीदते तो कार्ड्स अब अपना प्रॉफिट पर आर इंक्रीज करते थे। अब हम जब तक इसका प्रॉफिट पर आर, जब तक मैं इसको देख रहा था तो मैंने अपना प्रॉफिट पर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन तक जो है वो मैं ले गया हूँ। काफी लोग 1 मिलियन तक ले गए, 2 मिलियन तक ले गए, तो आपका प्रॉफिट पर आर इसके लिए मैटर करेगा, क्योंकि कॉइन बैलेंस एक एक बंदे का ही 100 बिलियन तक का है और टोटल सप्लाई भी इनकी 100 बिलियन की है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने अपना कॉइन प्रॉफिट पर आर इंक्रीज किया तो 7 मिलियन का है, 6 मिलियन का है, तो उस हिसाब से एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो सकती है। और यहां पर इन्होंने फिर लोगों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक और फंक्शन निकाला था, वो था कीज का, मतलब आपको कीज कलेक्ट करनी होती थी गेम खेल के। अब मैंने कोई खास कीज कलेक्ट नहीं किया, अब लिस्ट हो गया तो शायद मैं कुछ कीज कलेक्ट कर लूं। तो अब यहां पर कीज का ये रोल होता है कि वो लॉकिंग के काम आती है। देखो,
की का रियल लाइफ में क्या यूज होता है कि वो लॉकिंग के काम आती है। तो मे बी जो आपने प्रॉफिट पर आर अपना जनरेट किया है यहाँ पर इनकी एक ट्रम हो के आपके पास अगर 10 कीज होंगी तभी आप 1 मिलियन का प्रॉफिट पर आर जो है वो निकाल पाओगे, या आपके पास 20 कीज होंगी तभी आप 1 मिलियन का प्रॉफिट पर आर जो है अनलॉक कर पाओगे। मतलब आपका प्रॉफिट पर आर है 10 मिलियन, ठीक है सपोज करो, लेकिन आपके पास कीज 20 है तो आप सिर्फ 1 मिलियन का प्रॉफिट पर आर जो है वो निकाल पाओगे, बाकी आपका 9 मिलियन का जो प्रॉफिट पर आर है वो जाया हो जाएगा। तो कोशिश करो, एक हफ्ता है हमारे पास, इसमें आप थोड़ा सा की बैलेंस अपना बढ़ा सकते हो तो वो बढ़ा लो, क्योंकि कंफर्मेशन हो गई है तो अपनी की बैलेंस को आप इंक्रीज करो, साथ साथ प्रॉफिट पर आर को थोड़ा इंक्रीज करो और इस तरीके से आप जो है वो जा सकते हो। कॉइन बैलेंस सारा खर्च मत कर देना, उसको भी रखना क्या बात है, उसके बेसिस के ऊपर भी लोग एयरड्रॉप दे, लेकिन उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि प्रॉफिट पर आर ओवर द कॉइन बैलेंस, ठीक है। तो प्रॉफिट पर आर पे ही हमें पॉसिबिलिटीज यही है कि हमें जो है इनका एयरड्रॉप जो है वो मिल सकता है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, मैं तो इसको छोड़ दिया था बिल्कुल बीच में, लेकिन जब से इसकी न्यूज़ आई है मैं इसको दोबारा से फार्म कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा इसकी जो है वो मैं कलेक्ट कर लूँ। तो अगर आपने हैमस्टर कॉम्बैट को मिस कर दिया था, आपने इसकी फार्मिंग नहीं की थी, तो यहाँ पर मैंने 3 कॉइन्स के वीडियो बनाई है। इसमें से एक जो है ना वो तो बिटगेट की प्री मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है और इसकी बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है, वो है कैट्स, और दूसरा कॉइन है ब्लम। तो ब्लम की फार्मिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि ब्लम ने इस सीजन में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट किया ना वो साइडकिक्स और ब्लम के ऊपर किया है। तो अभी जाओ साइडकिक्स की फार्मिंग स्टार्ट कर दो और ब्लम की फार्मिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये दोनों बाइनेंस इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट है और इनके 90% चांसेस हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने में आराम से बाइनेंस के ऊपर जो वो लिस्ट हो सकते हैं। तो जाओ जाकर ये दो वीडियोस देखो और इनकी फार्मिंग स्टार्ट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।